तो वो दुख मेरे सामने आता है लोगों का, उससे मेरे को अंदाजा होता है कि दुष्यंत ने अपने अपने फर्ज को नहीं निभाया ठीक से। यही वजह थी कि पीछे एक बयान में आपने उनको दुष्ट भी कह दिया था। मैंने दुष्ट नहीं कहा, मैंने कहा था कि लोग ये कहते हैं, जैसे महिलाओं के मुंह से ये बात आई थी, मैंने नहीं कही ये बात, क्योंकि मैं इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करती, मेरे बेटे जैसा है वो तो मैं उसके लिए इतना, और मैं तो ये कहती हूँ कि दुष्यंत की गलती नहीं है, मैं लोगों की गलती मानती हूँ, वो तो आ गया था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो लोगों को देखना चाहिए था कि हम किसको वोट दें, तो लोग अब उसने तो 90 हलकों में से उचाना चुना, ये तो उसकी उसकी अपनी समझ है, लेकिन वोट तो उसको उचाने वाले ने दी हैं। तो अच्छा, अभी कुछ गांव में मैं एक सर्वे कर रहा था, उस सर्वे के दौरान गांव के लोगों ने कहा कि चौटाला परिवार ने और वीरेंद्र सिंह ने, यानी कि दोनों परिवारों ने जंग का मैदान बना दिया उचाना, और ऐसे में अब हम तीसरा विकल्प ना चुनना पड़े इनकी लड़ाई के बीच में। अब देखो जितने मुँह उतनी बात, अब 10 लोगों से बात करो, 10 के 10 का अलग अलग बोलने का मतलब अपना एक ढंग होगा। कोई देखेगा अभी वीरेंद्र सिंह हमारे पास पिछले 50 साल से है, हमारा तो कोई दादा कहेगा, कोई चाचा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा कि हम तो उसी को वोट देंगे। और जो देवीलाल के भगत हैं, क्योंकि उसके बाद किसी और का नाम नहीं आता, हालांकि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, लेकिन ना तो दुष्यंत उनका नाम लेता, फोटो भी वो देवीलाल की लगा के रखते हैं, उधर अभय चौटाला भी अपने दादा की फोटो लगा के रखते हैं, देवीलाल की। तो इनके आपस की लड़ाई है दोनों की, और जहाँ तक हमारी बात है इधर लोगों की मर्जी है। अच्छा, दुष्यंत आपको लेकर के एक बात कह रहे थे, अभी जब बिप्लव देव वाले बयान के बाद पूरे हरियाणा में जब हलचल सी मची ना कि गठबंधन टूट जाएगा, तो दुष्यंत ने एक बयान दिया कि मैडम की तो जो एज है ना बीजेपी का जो क्राइटेरिया है 75 का, उसको पूरा नहीं कर पाएगी मैडम, 75 पार हो जाएंगी, फिर ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरा जन्म है 1950 का। अच्छा, और मैं होंगी 2025 में। अच्छा, 75 की अगर मैं चुनाव में लड़ती ना तो देश का प्रधानमंत्री भी 1950 का जन्म है उसका भी तो कहाँ से 75 की होगी मैं, चुनाव तो अगले साल हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर देखो ना 2023-24 में तो चुनाव है ही है, मैं 2025 में जाके होंगी 75। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब वो जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। वो तो खुश हो रहे हैं ये सोच करके भी शायद एज पूरी हो जाएगी, मतलब पता नहीं कि मुझसे कैसे निकल गया, वरना डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहले लिखी जाती है कि आपका जन्म कब का हुआ है। और मैं उन लोगों में से नहीं आती जो अपनी उम्र घटा के बताएं, मैं तो जो है वो है, जो सच्चाई वही है, जो मेरे स्कूल के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही मेरी आज है। तो 2025 इससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे।